टॉप सिक्स में उनका नाम है। उस्ताद शुभदीप दास चौधरी, इंडियन आइडल सीजन 14 का आखिरी फाइनलिस्ट। आदिया मिश्रा, तो यहां आकर इंडियन आइडल सीजन 14 के मंच पर ओवम तांगू की म्यूजिकल जर्नी खत्म हो चुकी है, यानी कि वो इंडियन आइडल सीजन 14 के जो टॉप सिंगर्स थे, जो ग्रैंड फिनाले में पहुंचे हैं, उनमें से बाहर हो चुके हैं। जी हां, उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है इंडियन आइडल शो से। टॉप सिक्स जो बने हैं वो हैं शुभदीप, वैभव, आद्या, अंजना, अनन्या और पीयूष। ये छह सिंगर ग्रैंड फिनाले में परफॉर्मेंस देंगे और इन्हीं छह में से कोई एक सिंगर इस शो का विनर भी बनेगा। लेकिन ओबम तांगू के फैंस के लिए बुरी खबर है कि अब वो शो से बाहर हो चुके हैं। आपको बता दें, ओबम को बाहर करने का एक और बड़ा कारण था, वो थे ओबम के लिए वोट्स। जी हाँ, ओबम को बहुत सारे वोट्स मिलते थे। अगर ओबम इस वक्त इंडियन आइडल के मंच से बाहर नहीं होता तो शायद अपनी वोटिंग के दम पर वो इंडियन आइडल सीजन 14 का विनर भी बन सकता था, जो कि इस शो के जजेस को शायद मंजूर नहीं था दोस्तों, क्योंकि वो ओबम को उस लेवल का सिंगर नहीं मानते थे जिस तरह से जो बाकी छह सिंगर हैं। तभी तो उन्हें इतनी करीब आकर इस शो से बाहर होना पड़ा। हालांकि ये शो का रूल है, हर म्यूजिकल शो का रूल होता है कि कोई एक ही विनर बनता है और धीरे धीरे सब के सब एलिमिनेट हो जाते हैं जो टॉप 16 या 15 इस शो पर चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ ये पक्की बात है कि अगर वो बने रहते इंडियन आइडल पर तो वो फर्स्ट रनर अप या इंडियन आइडल सीजन 14 का खिताब अपने नाम जरूर कर पाते दोस्तों। लेकिन उससे पहले ही ओबम शो से एलिमिनेट कर दिए गए हैं, शो से बाहर हो चुके हैं। वैसे इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि ओबम अच्छे सिंगर हैं और मेहनत करेंगे तो वो बहुत आगे तक जरूर जाएंगे, क्योंकि इंडियन आइडल एक बड़ा मुकाम है और इसमें उनकी जर्नी काफ़ी कमाल की रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, वीडियो को लाइक भी करना ओबम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ।